हे दोस्तों, हमारा नोज जिसे हिंदी में नाक कहते हैं, वो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की खुशबू या गंध को महसूस कर सकते हैं। और ये हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली का हिस्सा होता है। हमारे शरीर में हवा का आना जाना नाक के द्वारा ही होता है, और जब ये हवा नाक के ऑल्फैक्टरी सिस्टम यानी सूंघने वाले सिस्टम से गुजरती है तो नर्व सेल्स मस्तिष्क को संकेत देते हैं, जिससे मस्तिष्क उस सुगंध को पहचानता है। नाक की संरचना का बाहर का हिस्सा गाल की हड्डियों के बीच एक छेद के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसमें दो नॉस्ट्रिल्स यानी दो नथुने होते हैं, जिन्हें एक बैरियर द्वारा विभाजित किया जाता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। नाक के बाहरी हिस्से के पीछे नेजल कैविटी यानी नाक गुहा म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जिसे श्लेष्म झील कहते हैं, और सबसे ऊपर ऑल्फैक्टरी हेयर्स यानी घ्राण बाल होते हैं, जो किसी भी प्रकार की गंध को पहचानने में मदद करते हैं। आँखों के ऊपर और नीचे चार साइनस कैविटी होती है, जो नेजल कैविटी और म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। नाक में होने वाले बाल हवा में होने वाले कणों को शरीर में जाने से रोकते हैं, और ये सभी संरचनात्मक तत्व फेफड़ों तक गर्म, नम और स्वच्छ हवा पहुंचाने में मदद करते हैं। और साथ ही अगर हवा में कोई नॉन एयर पार्टिकल्स यानी गैर वायु अणु आता है तो ये गंध की भावना को उत्तेजित करते हैं यानी ट्रिगर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और हमारे फेफड़ों का विस्तार होता है तो हवा शुरू में नासिकाओं से प्रवेश करती है और नाक की हड्डी के नीचे और माउथ पैलेट के ऊपर नेजल कैविटी से होकर गुजरती है, जिसमें तीन उभार और तीन मार्ग होते हैं। नाक गुहा के ऊपर सुपीरियर कोंका होता है, जो हवा को सुपीरियर मीटस के द्वारा पास करता है, और उसके नीचे मिडल और इन्फीरियर कोंकास हवा को मिडल और इन्फीरियर मीटा में भेजते हैं। ये सभी तीन मार्ग गले के पीछे से पुनर्मिलन करके वायु नली से होकर फेफड़ों में पहुंचते हैं। सभी मार्ग म्यूकस मेम्ब्रेन्स और छोटे छोटे बालों से जुड़े होते हैं, जो धूल, मिट्टी और अन्य विदेशी कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। सुपीरियर मीटस के ऊपर हवा को छानने वाले बाल होते हैं, जो गंध को भी पहचानते हैं। यहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, जहाँ नर्व सेल्स अशुद्ध हवा को पहचानकर हमारे दिमाग को संकेत देते हैं, जिससे हमें सुगंध या खुशबू का पता चलता है। जब किसी भी प्रकार की गंध महसूस होती है तो ये हमारे शरीर के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है। ऐसे कई तरह की भिन्न गंध का संकेत हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि खाना खराब हो गया है या नहीं, या कहीं धुआं या आग से खतरा है या नहीं, जिसे भांपकर हम आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। अब जानते हैं हाउ द सेंस ऑफ स्मेल वर्क्स। मुख्य नाक गुहा के माध्यम से तीन मार्ग हवा के प्रवाह को साझा करते हैं, लेकिन सुपीरियर मीटस में ही हवा की गंध को समझने वाले बाल और कोशिकाएं होती हैं। हवा नासिका मार्ग यानी नेजल पैसेज से काफ़ी तेजी से गुजरती है, जिसकी वजह से गंध अच्छे से सेंस नहीं हो पाती है। अधिकांश हवा दो निचले मार्गों से गुजरती है, लेकिन ऊपर वाले मार्ग में होने वाले लंबे बाल हवा के प्रवाह को धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से गंध को पहचानने में अधिक समय मिल जाता है। जब कोई पदार्थ जिसमें से गंध आती है वो हवा में मौजूद होता है तो ये ऊपर की पैसेज के म्यूकस द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जहाँ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, जो विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कोई पदार्थ म्यूकस लाइन से होकर गुजरता है तो वो नर्व सेल्स को उत्तेजित करता है, जिससे नर्व सेल्स मस्तिष्क को एक गंध के रूप में संकेत देते हैं। अधिकांश गंध कॉम्पोजिट होती है, जो अलग अलग कोशिकाओं के संकेतों को अलग अलग पदार्थों पर प्रतिक्रिया देती है, और उन संकेतों की एक विशेष गंध के रूप में व्याख्या होती है। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो जैसे धुएं की गंध में एक दर्जन से भी ज़्यादा अशुद्धियां होती है, लेकिन उन सबके संयोजन से ही धुएं की व्याख्या होती है। उसी तरह पसीने की गंध में विभिन्न अशुद्धियां होती है, लेकिन उन सभी के संयोजन को ही मस्तिष्क पसीने की गंध के रूप में पहचानता है। नाक में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है नेजल कंजेशन यानी नाक जाम होना या नाक बंद होना। नाक बंद बहुत से कारणों से होती है, जैसे सर्दी, जुखाम, एलर्जी या पर्यावरण में होने वाले कण, जिसके कारण नाक में सूजन आ जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नाक बंद होने की स्थिति में शरीर छींक द्वारा नाक के माध्यम से वायु को शरीर से निष्कासित करता है।
जब हमारा नाक अच्छे से काम कर रहा होता है तो ये अशुद्ध और विदेशी कणों को शरीर में जाने से रोककर हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम की रक्षा करने में मदद करता है और मस्तिष्क को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है, जैसे कोई खतरनाक या अप्रिय घटना का महसूस होना या किसी प्रकार की अच्छी सुगंध से सुखद अनुभव का महसूस होना। जब सर्दी जुखाम की वजह से हमारा नाक अच्छे से काम नहीं करता है तो किसी भी गंध का महसूस ना होना और हवा को छानना और नम करने जैसे काम का महत्व हमें महसूस होता है। इस तरह हमारा नाक हमारे शरीर में शुद्ध हवा का स्थानांतरण करता है जिससे शरीर को जरूरी वायु मिलती रहती है और हमारा शरीर अच्छे से काम करता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको हमारा नाक कैसे काम करता है इसके बारे में आसान तरीके से बताया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। शेयर करें इस वीडियो को अपने बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि वो भी जान सके कि हमारा नाक कैसे काम करता है। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।